सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। मनोज जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को पता ही है 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा, और इसी अवसर पर देश के हर कॉलोनी के मंदिरों में रथ यात्रा और कलश यात्रा निकाली जा रही है। तो इसीलिए आज हमारे कॉलोनी के मंदिर में कलश यात्रा और रथ यात्रा निकाली जा रही है। आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रथ यात्रा के लिए यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है, और औरतें कलश यात्रा के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं सभी औरतों के सर पर कलश है और हाथ में ध्वज लेकर वो यात्रा के लिए चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं जयकारों के साथ लोग कलश यात्रा के लिए निकल रहे हैं, और आप हमारे सीढ़ियों के एंड तक ज़रूर देखते रहना।
हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे राम मंदिर बन चुका है अयोध्या में। तो अब आप देख सकते हैं कलश यात्रा स्टार्ट हो रही है। We'll be right back.
एकादशी पावन पर्व भगवान राम जी 500 साल बाद में अपने अयोध्या नगरी में अपने भवन में विराजमान होंगे, वो बहुत अलौकिक होगा, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में महंतों संतों के। तो उस उपलक्ष्य में आज हमारे भागीरथ नगर से मनोज जी जैन, मनोज जी चौहान और उनके साथ में सभी हमारे भागीरथ नगर के विनोद जी, शंकर जी सभी ने मिलके और ये भगवान की शोभा यात्रा निकाली। लेडीजों ने भी सबने हजारों हजारों महिला मंडली, हजारों आदमियों ने भगवान के चरणों में पूरे हमारे जैसे भागीरथ नगर हुआ, शक्ति कॉलोनी हुई, कृष्णा नगर हुआ, कृष्णा बिहार हुआ, बैंक कॉलोनी हुई और अर्जुन नगर हुआ, अर्जुन नगर बिहार हुआ, करीब करीब 15-20 कॉलोनी में ऐसे भ्रमण किया और भगवान की शोभा यात्रा बड़ी प्रेम से बड़े ठाट बाट से निकाली है। यह हर्ष उल्लास देखने लायक था। आज इंटरनेट बंद था लेकिन फिर भी माया में काया में और आदमी के प्रभुत्व में जो भगवान की सेवा के मन का जो विचार था, उद्गार था, कहीं कम नहीं था। कहीं भी चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सबका हर्ष उल्लास एक से एक बढ़ के था। मैं सभी हमारे कॉलोनी वासियों से जो हमारे जहाँ जहाँ भी नगर में गई है, 22 तारीख को जब भगवान का ये पावन सानिध्य भगवान के चरणों में और हम सब मिलकर भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे कि भगवान आप जैसे राज ठाट से 14 वर्ष का वनवास जब काट के आए थे उससे भी ज़्यादा ये प्रोग्राम भव्य हो और हर घर में हर दीपक जले और पूरे जैसे दीपावली होती है एक नई दीपावली उस दिन हो, ऐसा मेरा मानना है और जो योगी जी और मोदी जी का भी ये मानना है। तो मैं ये सबसे गुजारिश भी करूँगा, निवेदन भी करूँगा, 22 तारीख को अपने हर घर में 11-21 दीपक जलाएं, पूरी रोशनी करें और जगमग करा दें और दिखा दें कि एक दिवाली वो थी, एक दिवाली है। जय राधा गोविंद भगवान की। और जहाँ भी पीड़े चावल नहीं पूछे हैं वहाँ पर पूछा दिए जाएंगे और भगवान की शोभा यात्रा जैसे वहाँ पर तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमारे घरों में रह के भगवान का गुणगान करें, दीपक जलाएं, पूरा हर्ष उल्लास से पूरा प्रोग्राम करें। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी की भी जय हो, मोदी की भी जय हो और पूरे भारतवर्ष की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, ब्राह्मण वृंद की जय हो, अपने अपने माता पिता के चरण कमलों की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सभी बानर भालुओं की जय हो, सभी भक्तों की भक्तनों की जय हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। और मनोज जैनी की तरफ से आप सभी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग 22 जनवरी को अपने घरों को अच्छे से डेकोरेट करें, लाइटों से सजाएं, मतलब आप सभी को दिवाली जैसा माहौल अपने घर में बनाना है और 11, 21, 51 अपने श्रद्धा अनुसार दीपक जलाना है। तो ऐसी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।